स्वागत है महाराज देसी 91 टीवी। रक्षाबंधन का दिन है और भोजन में जो मुझे मिला है वो आपके सामने आलू की सब्जी और कचौरी। तो बड़ी सुंदर सब्जी है और अब तो ये जो है आलू की सब्जी और कचौरी का बड़ा प्रचलन है। आप देखोगे यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें बहुत सारे दुकानदारों की जो है दुकानदारी इसी आलू कचौरी ने चला रखी। और त्यौहार से लेकर के भंडारे में कन्या पूजन या कोई और भी चीज़ हो तो आलू पूजी बड़े जो है उसमें अब एक अपनी खास पहचान बना चुकी। तो सवाल यह है कि इसका स्वाद बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, आलू और टमाटर पड़ते हैं, पर क्या ये मेरे पूर्वजों ने भी खाई होगी? और खाई होगी तो कितने पूर्वजों ने खाई होगी, कितने पहले नहीं खाई होगी? तो मैं आपको बता दूं, आलू और टमाटर दोनों पुर्तगाली लेके आए थे 1398 में। तो अभी भी अगर आप भारत में किसी हिस्से में कोई नई फसल दे दो, इंट्रोड्यूस करा दो, तो आप मान के चलो 10-15 साल लगेंगे उसे दूसरे किसी हिस्से में पहुंचने में। वहाँ पहले किसान उसे काटेगा, देखेगा वो सूट कर रही या नहीं। तो उस समय के हिसाब से तो आप मान के चल लो कि 50 साल तो लगे होंगे उत्तर भारत में आने में आलुओं को। और अगर 50 साल उत्तर भारत में आलुओं की फसल को आने में लगा होगा तो 100 साल तो आप मान के चलो इसे थोड़ा सा खाने में गांव देहात तक पहुंचने में लगा होगा। तो आप अंदाजे से ये लगा सकते हो कि हाँ अभी 2024 चल रहा तो 600 साल के करीब पुरानी ये हमारे परिवारों में खाई जाती होगी। अब 600 साल का मतलब ये है कि 10 पीढ़ी या उससे कम पीढ़ियों ने इसे खाया होगा। तो इसका मतलब यही है कि 10 पीढ़ी के करीब ने तो इसे खाया होगा और उससे पहले की पीढ़ियों को आलू कचौरी बिल्कुल नहीं पता होगी। आलू नहीं पता होंगे, कचौरी पता होगी, क्योंकि कचौरी का जो गेहूं का आटा है ये गांव देहात में पहले से ही, बहुत पहले से 2 पार्ट की चक्की में बनता था। और सरसों भी उगाई जाती थी, सरसों का तेल भी पत्थरों में पीस के जिसे बैल या कई जगह पे गधे या किसी और चीज़ से उसे घुमाया जाता था और वो तेल पीट जाता था, पीस जाता था और सरसों पर पीस के तेल निकल जाता था। तो कचौरी तो खाई होगी पर आलू की सब्जी नहीं खाई होगी। अब सवाल ये है कि कचौरी तो खाई 10 पीढ़ी पुराने पूर्वजों ने, तो उन्होंने फिर क्या खाया साथ में? तो इसका जवाब कद्दू। महाराज वो खाते थे कद्दू कचौरी। अब कद्दू कचौरी हलवा तीनों मिल गए और ये एक तरीके से स्वाद जो अच्छा होगा वो आगे होगा। तो आलू का स्वाद कद्दू से ज़्यादा लोगों को पसंद है, इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं है। ज़्यादातर लोगों को कद्दू नापसंद है, कचौरी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कद्दू कचौरी कम बिकती है बाज़ार में, आलू कचौरी ज़्यादा बिकती है। तो क्योंकि आलू और टमाटर दोनों ही तीन थे तो कद्दू ही बनना था फिर तो। और कद्दू कचौरी का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, आलू कचौरी का भी ज़बरदस्त है, ज़्यादातर लोगों को आलू कचौरी पसंद है। तो ये थोड़ी सी एक जानकारी थी कि ये जो आलू कचौरी है ये हम और हमसे पहले 10 पीढ़ी ही हमारे परिवार में खाई होगी। पूरे भारत का यही हाल होगा, दक्षिण भारत में शायद कोई कह सकता है हाँ मेरी 12 पीढ़ी या 13 पीढ़ी ने कल आलू की सब्जी खाई होगी, पर उत्तर भारत में तो आप 10 से ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि वो संभव नहीं है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। कचौरी तो पहले से ही बनती है, उसमें तो कोई है नहीं, वो तो हमारा खुद का ही व्यंजन है एक तरीके से, भारत का। कचौरी तो भारतीयों का ही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। 4,500 के करीब वीडियो हैं देसी 91 टीवी पे, आप एक बार आओ देखो। बहुत बहुत धन्यवाद।